हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम यहाँ बिल्कुल ठीक हैं एंड आई रियली होप कि आप भी अपनी फैमिली के साथ हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। वैसे आपके ही रिक्वेस्ट पर आज मैं आपके साथ अपना एक रूटीन व्लॉग शेयर कर रही हूँ। सो, फिलहाल अभी मॉर्निंग के 6:30 हो रहे हैं और यहाँ मैं अपनी फैमिली के लिए बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। आज मुझे चाय पीने का काफ़ी मन हो रहा था, इसलिए अपने लिए मैंने चाय बनने के लिए रखा है। एंड फिलहाल यहाँ मैं हस्बैंड के लिए ओट्स की खिचड़ी बना रही हूँ और बच्चों के लिए वॉफल्स। आज दोनों ही बच्चों की हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं है एंड फिलहाल दोनों को ही कोल्ड एंड फीवर हुआ है, इसलिए ही आयांश को आज हमने स्कूल नहीं भेजा कि जब तक फीवर है बच्चा घर में ही रेस्ट कर ले। वैसे तो उनका कुछ खाने का मन नहीं था, लेकिन फिर मुझे बच्चों को कोल्ड की मेडिसिन भी पिलानी थी, इसलिए मैं यहाँ वॉफल्स बना रही हूँ ताकि बच्चे कुछ तो खा ले। देन यही खिलाकर बच्चों को मैं उनकी मेडिसिन भी दे दूँगी। सो, वेफल बनाने से पहले मैंने वेफल मेकर में थोड़ा बटर अप्लाई किया था ताकि कुक होने के बाद वेफल बिना चिपके मेकर से आराम से निकल जाए। तो यहाँ मेकर यूज़ करने के बाद मैं फ़िलहाल उसे किचन क्लॉथ की हेल्प से वाइप कर रही हूँ, क्योंकि बटर अभी मेल्टेड है तो मेकर आसानी से क्लीन हो जाएगा, वरना तो ठंडा होने के बाद मेकर पर बटर की एक लेयर जम जाती है एंड देन क्लीन करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इन सालों में मैंने अपने ही एक्सपीरियंस से ये तो सीख लिया है कि किचन में जो भी अप्लायंसेस यूज़ करो उन्हें क्लीन कर तुरंत उनकी जगह पे रख दो, तो हमारे किचन का काफ़ी काम कम समय में आसानी से हो जाता है। सो, बच्चों को मैंने उनका ब्रेकफास्ट दे दिया है और अब मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ ओट्स की खिचड़ी, जिसके लिए सब्जियाँ मैंने ऑलरेडी कट कर ली है। वैसे ओट्स की खिचड़ी मैं मूंग या मसूर के दाल के साथ बनाती हूँ, और वैसे अगर आपको एक या दो लोगों के लिए ओट्स की खिचड़ी बनानी है तो बस आप 1/4 कप ओट्स के साथ उतने ही अमाउंट में मूंग या मसूर की दाल ले ले, यानी कि इक्वल अमाउंट में ये दोनों ही चीज़ें आपको लेनी है। एंड देन जिस तरह आप दाल फ्राई बनाने के लिए एक सिंपल सा तड़का तैयार करते हो, वैसा ही तड़का मैं अपने ओट्स की खिचड़ी बनाने के लिए भी तैयार करती हूँ। एंड देन तड़के में अपनी मनचाही सब्जियां, ओट्स एंड दाल डालकर इंस्टेंट पॉट या कुकर में मेरी ओट्स की खिचड़ी बनकर तैयार हो जाती है। बस खिचड़ी बनाने के लिए यहाँ मैंने अराउंड 2 कप पानी डाला है एंड देन इंस्टेंट पॉट में केवल 3 मिनट्स की मैनुअल सेटिंग में मेरी ओट्स की खिचड़ी बन जाएगी। और अगर कुकर में बनाना है तो मीडियम फ्लेम पर 3 सीटियाँ ले लेना, दैट्स इट। ब्रेकफास्ट बनाते समय जब मैं कैबिनेट से दाल का कंटेनर ले रही थी, तब मैंने नोटिस किया कि कैबिनेट में मेरे 2 से 3 कंटेनर्स ऑलमोस्ट खाली हो गए हैं। तो उन्हीं कंटेनर्स में जो थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई थी, फिलहाल उन्हें ही मैं यहाँ खाली कर किचन काउंटर पे रख रही हूँ, ताकि ब्रेकफास्ट करने के बाद इन कंटेनर्स को मैं क्लीन कर सकूँ। वैसे लास्ट टाइम जब मैंने आपके साथ अपना किचन टूर शेयर किया था, तो आप में से ही किसी ने मुझे कमेंट कर पूछा था कि अपने ग्लास कंटेनर्स को मैं कितने फ्रिक्वेंटली क्लीन करती हूँ। सो, ऑनेस्टली कहूँ तो अभी तक मैंने एक बार भी अपने सारे कंटेनर्स को एक साथ कैबिनेट से हटाकर क्लीन नहीं किया है, बल्कि जैसे ही कोई कंटेनर्स खाली होता है बस उसे ही क्लीन एंड ड्राई कर उसमें दोबारा कोई ना कोई सामान मैं रिफ़िल कर देती हूँ। सो, इस तरह इवेंचुअली एक एक कर ऑलमोस्ट मेरे सारे ही ग्लास कंटेनर क्लीन हो जाते हैं, और कैबिनेट भी मोस्टली बंद ही होता है तो कंटेनर्स पर इतनी धूल मिट्टी भी नहीं जमती। सो, ग्लास कंटेनर को मुझे इतना क्लीन नहीं करना पड़ता। यहाँ मेरी चाय भी रेडी हो गई है और फिलहाल हस्बैंड ने भी अपना वर्क स्टार्ट कर दिया। सो, उनका ब्रेकफास्ट मैं जस्ट उनके रूम में देकर आई हूँ। वैसे मेरे हस्बैंड चाय नहीं पीते, इसलिए चाय बस मैंने अपने लिए ही बनाई और अब बस थोड़ी देर आराम से बैठकर मैं अपनी चाय पीऊँगी। तो मोस्टली इसी समय मैं इंडिया कॉल करके अपने पेरेंट्स से भी बात करती हूँ, और अगर कभी लंबी बात करनी हो तो किचन में काम करते करते वीडियो कॉल पर मेरी बातें भी चलती रहती है। तो मैंने सोचा कि बच्चों को थोड़ी देर बेसमेंट में खेलने के लिए भेज दूँ ताकि मैं भी थोड़ा देर रिलैक्स हो जाऊँ, लेकिन अपने बच्चों के बारे में ये एक हैबिट मैंने अक्सर नोटिस की है। तो जिनके मेरी तरह 2-3 बच्चे होंगे, वो पेरेंट्स भी इस बात को रिलेट करेंगे कि अगर मैं कुछ अपनी तरफ से चाहूँ कि मेरे बच्चे साथ में बैठ कर कोई टास्क कर ले या खेल ले साथ में, तो दोनों कंटिन्यूस एक दूसरे की कंप्लेन करेंगे या आपस में लड़ते रहेंगे बट हार्डली साथ में खेलेंगे। लेकिन अगर किसी काम के लिए मैं मना कर दूँ कि ये नहीं करना है, उसे करने में फिर इनका जो भाईचारा होता है वो कमाल के लेवल का है। इतने आराम से फिर काम को अंजाम देंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस घर में कोई बच्चे भी रहते हैं।
बिल्कुल आप उनकी आवाज़ नहीं सुनोगे, इतने आराम से दोनों आपस में खेलेंगे। तो अभी भी फिलहाल बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मैं तो सोच रही थी कि बच्चे नीचे टॉयज से खेल रहे होंगे, लेकिन दोनों नीचे वाले बाथरूम के नल से टॉयज में पानी भरकर खेल रहे थे, जबकि घर के अंदर पानी खेलने से मैंने उन्हें मना किया है। वो तो जब उनके कपड़े गीले हुए तब जाकर दोनों ऊपर आए कि अब हमारे कपड़े चेंज कर दो, जबकि रेडी मैंने उन्हें थोड़ी देर पहले ही किया था। सो अभी फिर से बच्चों के कपड़े वगैरह चेंज कर मैंने उन्हें कोल्ड की सिरप पिला दी है और साथ में टीवी लगा दिया। सो थोड़ी देर ही सही बच्चे एक जगह बैठकर टीवी देख ले, तब तक मैं अपना किचन क्लीन कर लूंगी। डन, दे दो ये, देना बस पानी अपने पास रखो। इसमें ना आपका टॉवल कहाँ है? ये टॉवल यहाँ पे रखो पास में, ठीक है? यस। थोड़ी सी खिचड़ी बची है तो फिलहाल उसे ही मैं एक कंटेनर में खाली कर रही हूँ, ताकि लंच बनाने से पहले कुकिंग के सारे बर्तन क्लीन हो जाए। और ये पॉट इलेक्ट्रिकल है तो बस इसे मैं ऊपर से ही वाइप करूँगी, और इसके अंदर का जो बर्तन है जिसमें मैंने खिचड़ी बनाई थी उसे निकाल कर मैंने सिंक में रख दिया है, तो थोड़ी देर में उसे भी क्लीन कर लूँगी। किचन का सारा काम हो गया है तो अब मैं करने जा रही हूँ अपनी लॉन्ड्री। मैंने यहाँ 3-4 बास्केट रखे हैं जिनमें धुलने वाले कपड़ों को मैं छाट कर रखती हूँ, जैसे सारे टॉवल्स को एक साथ रख दिया या फिर बच्चों के कपड़े एक साथ रखे हैं। इवन मेरे फैमिली में सबके पास ब्लैक कपड़े काफ़ी है, तो अब हफ्ते भर में जितने भी ब्लैक कपड़े हम वेयर करते हैं उन सबको अब मैं एक साथ ही वॉश करती हूँ, ताकि जो दूसरे कलर के फैब्रिक है उनके लिंट ब्लैक कपड़ों पर ना लगे। मॉर्निंग का ऑलमोस्ट मैंने सारा काम कर लिया है और फिर बच्चे भी काफ़ी देर से अकेले ही खेल रहे थे, तो अब मैं उन्हें अपने साथ थोड़ी देर स्टडी के लिए बिठाऊंगी। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आयांस को आजकल मैं नंबर्स को वर्ड्स में लिखना सिखा रही हूँ, वैसे नंबर्स में उसका काफ़ी इंटरेस्ट है, इसलिए फिलहाल मैंने उसे 1 से लेकर 50 नंबर्स को वर्ड्स में लिखने के लिए दिया है। और स्मैन को भी आयांस के साथ ही बिठाया था कि थोड़ी बहुत स्टडी वो भी कर ले, लेकिन स्मैन की पढ़ाई उसके मूड के हिसाब से होती है। कभी कभार आप जो भी एक्टिविटी उससे कराओगे वो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ करेगा, वरना तो 10 मिनट के लिए भी उसे बिठाकर पढ़ाना मुश्किल हो जाता है। वैसे आयांस के प्री स्कूल के काफ़ी पेपर्स मेरे पास ऑलरेडी रखे हैं, तो उन्हीं से मैं स्मैन की लर्निंग कराती हूँ। तो दोनों बच्चों का स्टडी रूटीन एंड सिलेबस मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर कर दूँगी। लंच के लिए आज मैं स्पेगेटी बना रही हूँ और बच्चों के लिए बनाऊंगी पाव भाजी। वैसे स्पेगेटी की रेसिपी शेयर करने के लिए मुझे आपसे रिक्वेस्ट मिली थी, तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ मैंने ऑयल में बारीक लंबे आकार में कटा हुआ आनियन और ग्रीन आनियन दोनों ही ऐड करके 1 से 2 मिनट के लिए दोनों को ही सॉटे कर लिया। देन इसमें लंबे आकार में कटा हुआ रेड, येलो या ऑरेंज कलर का शिमला मिर्च डाले, साथ ही मैंने ब्रोकली भी ऐड की है। तो अपने हिसाब से आप कोई भी सब्जियां ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ डिफरेंट कलर की सब्जियां ली है ताकि मेरी स्पेगेटी दिखने में अच्छी और कलरफुल लगे। सब्जियों को मीडियम से तेज आंच पर 4 से 5 मिनट तक सॉटे करने के बाद उनमें स्वाद अनुसार नमक और पेपर डाले। एंड देन मैंने यहाँ सब्जियों में मीडियम आकार के टमाटर की प्यूरी ऐड कर 2 से 3 मिनट तक उसे भी कुक कर लिया। तो शुरू में मैंने आधा ही ग्रीन ऑनियन यूज़ किया था, थोड़े लीव्स बाद में डालने के लिए रखे थे, सो उन्हें भी ऐड कर 1 से 2 मिनट तक सब्जियों को सॉटे कर लिया है। और जब सब्जियां कुक हो जाए उसमें अराउंड 2 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून चिली सॉस और अराउंड 1 से 2 टीस्पून सेजवान सॉस ऐड कर लें। और फिर इन सारे सॉस को सब्जियों में मिलाने के बाद बॉयल किया हुआ स्पेगेटी सब्जियों में ऐड कर लें। और फिर स्पेगेटी को सब्जियों में अच्छी तरह मिलाकर मैंने यहाँ थोड़ा सा टमेटो सॉस भी ऐड किया है, जो कि ऑप्शनल है। अगर आपको टमेटो सॉस का फ्लेवर पसंद है तो ही अपने स्पेगेटी में डालना। तो बस ऐसे ही सिंपल तरीके से मैं हमारी स्पेगेटी बनाती हूँ। अगर आप ट्राई करोगे तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना।
वैसे मैं स्पेगेटी थोड़ी सी स्पाइसी ही बनाती हूँ तो बच्चे इतना पसंद नहीं करते, इसलिए उनके लिए मैंने अलग से पाव भाजी बना दी और भाजी की जो क्वांटिटी है वो मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ही बनाई है, सो डिनर में भी हम यही खा लेंगे। बस अब लंच रेडी है तो पाव सेक कर यहाँ मैं बच्चों के लिए खाना लगा रही हूँ। वैसे लंच आज मन का बना है तो बच्चे ऑलरेडी वेट कर रहे हैं कि कब पाव भाजी उनके सामने आएगी। Eat big bite. लंच करने के बाद मैंने ऑलरेडी अपना किचन क्लीन कर लिया है और अब बस किचन और लिविंग रूम की मॉपिंग करके मेरे यहाँ के सारे काम हो जाएंगे। कपड़े भी ऑलरेडी धुल चुके हैं, सो मॉपिंग के बाद मैं उन्हें ड्रायर में डालूंगी। किचन एंड लिविंग रूम ऑलरेडी क्लीन हो गया है, मेरे कपड़े भी ड्रायर में सूख रहे हैं। बस घर में थोड़ा कोल्ड एंड फ्लू वाला माहौल है, इसलिए जिन भी चीज़ों को घर में हम ज़्यादा टच करते हैं फिलहाल उन्हें मैं यहाँ सैनिटाइज कर रही हूँ। देन बेडरूम वगैरह क्लीन कर जो कपड़े ड्रायर में सूख रहे हैं उन्हें मैं फोल्ड कर उनकी जगह पे रख दूंगी। देन आई एम डन। फिर इसके बाद दोपहर से लेकर इवनिंग तक मैं बिल्कुल फ्री हूँ, सो आज बच्चों को लेकर मैं थोड़ा रेस्ट करूंगी। वैसे जिस दिन मैंने ये क्लिप्स लिए थे उस दिन तो मैं बिल्कुल ठीक थी, लेकिन फिर बच्चों के साथ ज़्यादा मैं ही होती हूँ तो जब भी स्कूल से आयांश को फ्लू होता है तो पहले इसमें को एंड देन मुझे भी हो जाता है। सो फिलहाल मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं भी आज के व्लॉग में आपको मेरी आवाज़ अलग लग सकती है। तो प्रे करें कि हम जल्दी ठीक हो जाए और अब मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप कि आपको आज का ये छोटा और सिंपल सा व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और आगे ऐसे ही मोटिवेशनल व्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो इस व्लॉग को एंड करने से पहले मैं अपने YouTube फैमिली के कुछ मेंबर्स को बर्थडे विश करना चाहूँगी। सो अभी फिलहाल जो क्लिप आप देख रहे हो ये इस मैन की लास्ट ईयर फॉल की क्लिप है जिसे मैंने सिर्फ आपको बर्थडे विश करने के लिए ही ऐड किया है, सो आप इस वीडियो को एंजॉय करें। तो इस साल जनवरी से लेकर मार्च तक जिनके भी बर्थडे होते हैं उन सभी को हमारे YouTube फैमिली की ओर से जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप इसी तरह अपने लाइफ में खुश रहे और जीवन में बहुत सारी तरक्की करें। सो हैप्पी बर्थडे त्रिभुवन, हैप्पी बर्थडे हिरवा, हैप्पी बर्थडे अनाया, अक्षय ठाकुर, प्रिया एंड नेहा यादव, हैप्पी बर्थडे ज्वेल, हैप्पी बर्थडे रूपा, सुमित, आयशा, अर्चित राज एंड हैप्पी सिंह, हैप्पी एनिवर्सरी पद्मा, हैप्पी बर्थडे वेदांश, सूर्यांश, अनिकेत राज एंड दिव्यांशु शर्मा, हैप्पी बर्थडे अयान, विशाखा, प्रियंका, सीमा, दिव्यांशु, अनु एंड सौम्या, हायडुगु, हैप्पी बर्थडे काश्मीर, ऋषभ, मिठी गोविंद और अतिशय जैन, हैप्पी बर्थडे मेहक किरार, आशु गौतम एंड राजेश महाजन, हाय आकांक्षा, हैप्पी बर्थडे अंश, वियान, गणराज सिंह एंड रिम्पल जीत, हैप्पी बर्थडे अविका, अनमय त्रिपाठी एंड वेदांश, हैप्पी बर्थडे अनवी, जुजार सिंह, अविका विश्वकर्मा एंड दक्ष। तो वंस अगेन आप सभी को आपके बर्थडे की बहुत सारी शुभकामनाएं। अगर मैंने किसी का नाम मिस कर दिया हो या सही से ना लिया हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। तो जिनके नाम मैं इस व्लॉग में नहीं ले पाई हूँ प्लीज़ मुझे फिर से नाम मैसेज कर दें तो नेक्स्ट किसी व्लॉग में मैं आपको भी विश कर दूंगी। और अब जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखना। How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, a lover's moment.